साइरस, मैं जब भी जायद को देखती हूँ ना तो मेरी धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं, बल्कि छुकने लग जाती हैं और सांसें तेज होने लग जाती हैं। Oh no, this is not love. तुम्हें तो हार्ट अटैक हो रहा है। क्या? हाँ, तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन डोंट वरी, सरकारी अस्पताल यहीं पे आ रही है। वेलकम सुदेश एज सरकारी हॉस्पिटल एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर। और बिडू लोग क्या हाल है? अरे तुम लोग के लिए जज रहेंगे, लेकिन मेरे तो कलीग हैं, कलीग। मैं भी यहाँ गंदगी साफ करता हूँ और इन लोगों ने भी यहाँ बहुत गंदगी साफ की है। अथर प्रिया माही, इन सबको मैं बहुत मिस करता हूँ। हमारे एक्ट के बाद बस खड़े हो जाना। नहीं नहीं, मारने के लिए नहीं, वो मैं सुदेश को मारता रहूंगा एक्ट में, स्टैंडिंग ओवेशन के लिए। अच्छा। लेकिन एक्चुअली उसके लिए भी नहीं, क्योंकि गंदगी बहुत रहती है ना नीचे, साफ करने के लिए। हमारे कॉमेडी सर्कस की शूटिंग हफ्ते में एक बार होती है, लेकिन 6 दिन सफाई में निकल जाती है नीचे। और भाई तू सोच रहा है तेरे पे पंच नहीं मारा है? पक्का मारूंगा। ये जो सुरेंद्र है ना, कल अपने भाई के साथ सो रहा था तो जगह बहुत टाइट थी, जगह बहुत कम थी, अचानक से भाई नीचे गिर गया तो कहता अरे ऊपर आ जा, एक आदमी की सोने की जगह बन गई, आ जा। हाय जाहिद भाई। हेलो। दिवाली से पहले दिया आ गया बाबा। राहिल भाई, शाहरुख के साथ आपने क्या काम किया था यार फिल्म में? इतना अच्छा काम किया इन्होंने कि शाहरुख को पूरी पिक्चर में कहना पड़ा, मैं हूं ना। सर अभी आप प्रमोशन के लिए आए ना? जी। ऐसे मत देखना, हंसना नहीं। अच्छे नहीं, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। सर कौन सी फिल्म के लिए आए हैं? लव, ब्रेकअप एंड जिंदगी। लव का मतलब अर्चना और कपिल, ब्रेकअप मतलब सुदेश और कॉमेडी, और जिंदगी मतलब कॉमेडी सर्कस की सुबह 6-6 बजे तक शूटिंग। साला इधर चपड़ासी आ गया सफाई करने को, हॉस्पिटल अभी तक आया नहीं। बाल कलाकार, सरकारी हॉस्पिटल कहाँ था तू अब तक? वो मैं आया था इधर तो आप लगे हुए थे, फिर मैं वहीं हॉस्पिटल में थोड़ा वो सातवें लेबोरेटरी को मिलने चला गया था। आज के बाद किसी भी लेबोरेटरी के साथ चक्कर नहीं चलाना। क्यों? सर वो पता क्या है कि वो माँ बनने वाली, उसने तुरंत चेकअप करवा के पता करवा लिया कि उसका बाप मैं हूं। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है बे? सर रो ना तो क्या बात है, मेरा भी चेकअप करवाया ना, मैं शर्मिंदा हो गया। क्या उसमें आया है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता? अरे तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है यार। अच्छी बात, तेरा नाम नहीं लगेगा। नाम की बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ मेरे घर पे जो छोटे छोटे क्लिनिक घूम रहे वो किस कमीने की औलाद है। तेरे घर की बात हो रही है साला, मेरे को कमीना बोल रहा है। मेरे को सफाई करने दे। अब पागल है तू, उधर क्यों थूक रहा है? अरे तो क्या करें साले, सरकारी अस्पताल के बाथरूम भी इतने गंदे होते हैं, बदबूदार। तो तू साफ करना तेरा काम है। अरे कैसे करूं, मना किया है मेरे को। हमारे इधर वो बेहोश करने वाली दवाई खत्म हो गई है, तो पेशेंट को बाथरूम में ले जाकर ही वहां पर बेहोश करते हैं। नहीं, दवाई खत्म कैसे हो गई? कल का 40 मरीज आए थे, 40 घायल होके। वो क्यों? वो क्या है ना, हाईवे पे कल सुरेंद्र बाइक चला रहा था। अच्छा। इसका ब्रेक फेल हो गया। अच्छा। तो हाईवे के इस तरफ 2 आदमी खड़े थे और इस तरफ 40 आदमी। यार तू ठोकना था तो 2 आदमी को ठोक देना, 40 को क्यों ठोका? नहीं, गया 2 की तरफ ही था। हाँ। साले वो 2 और बड़े सुरेंद्र निकले, वो 40 की तरफ चले गए। 40 की तरफ तूने ठोक दिया, मजा आ गया। और सुरेंद्र ने 40, ये बहुत अच्छा काम किया। अब जजेस ये नहीं बोल सकते कि स्क्रिप्ट में हंसी नहीं थी। वैसे कभी कभी हंसी मुझे आती है डॉक्टरों पे भी, इनको जब लोग बेवकूफ बना जाते हैं। एक दिन सुरेंद्र आया था, डॉक्टर को कहता मेरी बीवी बीमार है, जल्दी जल्दी घर चलो। कहते घर जाने के 200 रुपये लगेंगे। कहता कोई नहीं जल्दी चलो। गाड़ी निकाली, डॉक्टर ने बीच में बैठा, मीरा रोड पहुंच गया, जाते ही 200 रुपये दे दिया। कहता मरीज नहीं, 400 मांग रहा था टैक्सी वाला, तो आपको ले। अरे डॉक्टर साहब
माय गॉड, सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर भी नहीं है। चलो कोई देख तो नहीं रहा, तब तक मैं कपड़े बदल लेती हूँ। बदलो बदलो, कोई नहीं देख रहा। देखा साला ठरकी डॉक्टर, कपड़े बदलने के नाम पर आ गया साला। मैं डॉक्टर थोड़ी, मैं हॉस्पिटल हूँ। बदलो बदलो। अरे ऐसे कैसे बदल लो, इधर आओ, मेरी सास प्रेग्नेंट हो गई है, कुछ करिए प्लीज। किस उम्र में प्रेग्नेंट? हाँ। लगता है तुम्हारे ससुर हमेशा घर पे रहते होंगे। नहीं, मेरे ससुर को मरे 22 साल हो गए। ये क्या 22 साल हो गए और प्रेग्नेंट? अच्छा, लमसम ही करके प्रेग्नेंट फिर। इसका मतलब अब तक तो बच्चा बड़ा हो के डिग्री लेके नौकरी ढूंढ रहा होगा। ए सरकारी अस्पताल, इसे इमरजेंसी में लेके चलो जल्दी। कोई चिंता नहीं, दवाई मेरे पास है। ये लो, वेरी गुड, यही होता है ध्यान, जोरदार तालियां। इसको पिलानी है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, पियो पियो, एक मिनट में साइलेंट खाओगी, वेरी गुड, यस। अब तो ये बच जाएंगी ना? नहीं नहीं, ये तो मरी हुई है पहले से। क्या, मेरी सास मर गई? मेरी सास मर गई। मेरी सास मर गई। क्या हो गया? कुछ नहीं होना, से मैंने विश्वास दिला था ठीक हो जाएगी। अस्पताल, मेरी सास तो चली गई, अब देखते हैं हमारी सांसें बचती है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। सुहेल, क्या आप इस सरकारी हॉस्पिटल का टूर लगाना चाहेंगे? Now I call you guys, Jai Viru. The talent is so much that you all can depend on each other, not the script. So as stand-up comedians, okay? अर्चना, आप क्या कहेंगी आज के इनके एक्ट के बारे में? Watching both of you on this stage is an experience जो दर्शक हैं उनको अंदाजा ही नहीं है कि what a joy it is to see Krishna and Sudesh perform live in front of you. So both of you are. जाहिद, कैसे लगा आपको हमारा अस्पताल? मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ही टैलेंटेड हैं. It was a pleasure watching you all both. Krishna, you were fantastic, I have to say. और मुझे लगता है कि I wish and I will try and tickle Archana ji here to give you good marks. Okay, so. दिया, आप क्या कहेंगी हमारी सेक्सी कृष्णा के बारे में? मुझे तो कॉम्प्लेक्स दे दिया इन्होंने। ऑल द बेस्ट, आई एम गोइंग टू ब्राइब बोथ ऑफ दीस पीपल टू गिव यू वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू सुदेश जी। अर्चना, कितने नंबर देंगी आप इन्हें? टिकल्ड फॉर टुडे, टुडे इट इज दिस 8 पॉइंट्स। सुहेल,